तत्काल न्यूज लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। नमस्कार, मैं हूं तोरल और आप देख रहे हैं तत्काल न्यूज लाइव। अभी हम आए हैं कमाल चौक में, जहां पे पुलिस वालों ने नाकाबंदी करके रखी है। जो बाहर से बेवजह कुछ भी काम नहीं रहता है तो भी बाहर घूमते हैं, उन पे कार्रवाई हो रही है। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बेवजह बाहर घूमने वालों को रोका जा रहा है, उनसे रीजंस पूछे जा रहे हैं, वापस जाने के लिए बोल दिया जा रहा है। जैसे कि आप अभी देख पा रहे हैं, सभी को यहाँ पे रोका जा रहा है। कोरोना की स्थिति अभी इतनी गंभीर होती जा रही है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे पुलिस वाले, दो तीन पुलिस वाले जो कमाल चौक का पुलिया है वहाँ पे पूरी तरीके से रोक दिए। जो आने वाले हैं वहाँ से उनको रिटर्न भेज दिया जा रहा है। बिना वजह निकलने वालों की धुनाई भी होती। देखिए यहाँ पे कितना मजमा जमा हो गया है गाड़ियों का। बिना वजह यहाँ पे बाहर घूमने वालों को यहाँ पे रोका जा रहा है। पुलिस प्रशासन ने पूरी तरीके से ये इलाका जो है पूरा बंद कर दिया है। देख सकते हैं यहाँ पे कमाल चौक में अभी ऐसी क्या सिचुएशन हो गई कि यहाँ पे लोगों को रोका जा रहा है और पलटाया जा रहा है। कमाल चौक में नहीं, पूरे नागपुर में हर जगह पर जो लोग बिना काम के निकले हैं उनको वापस भेजा जा रहा है, क्योंकि लॉकडाउन लगाया गया है। धारा 144 के तहत जो लोग बिना काम के अगर निकल रहे हैं तो उन पर पुलिस की कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप चेक कर रहे हैं अभी? हाँ, अगर कोई बोल रहा है कि कोई वो एसेंशियल काम के लिए जा रहा है, ज़रूरी काम के लिए जा रहा है, तो उसके डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद उनको जाने दिया जा रहा है। अच्छा, तो ये जो अभी बंद है यहाँ पे, तो वो हर जगह होने वाला है क्या? इस तरीके से बंद जो है वो शहर में अलग अलग जगह पर हर पुलिस स्टेशन में किया जा रहा है। ऐसे लोकेशन पर किया जा रहा है जो इम्पोर्टेंट लोकेशन है, और अगर कोई इंसान बिना मतलब तो नहीं बोलेंगे, जो एग्जेम्पशन है, एग्जेम्पशन के अलावा कोई इंसान निकल रहा है तो उसको उन स्पॉट से जाना ही पड़ेगा। ऐसे क्रिटिकल स्पॉट पे बंद किया जा रहा है। आपके तो क्या क्या सख्ती बरती जा रही है जो लोग बाहर बिना वजह निकल रहे हैं? देखिए, जो लोग बिना वजह निकले हैं उन पर हम लोग ज़्यादा सख्ती नहीं कर रहे हैं। हम लोग उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो लोग अपने घर पर वापस जाएँ। कोई अगर ज़्यादा हेलमेट नहीं पहना है या मास्क नहीं पहना है तो उस पर वो उस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है। जैसे कि आप सभी को पता है कि कोरोना ने अभी नागपुर शहर में जो है वो आतंक मचाया हुआ है, तो इसलिए अब ये पुलिस वालों का यहाँ पे उन्होंने बैरिकेटिंग वगैरह किए हैं। सब जो आने वाले और जाने वाले लोग हैं उनको पलटाया जा रहा है वापस। जो बेवजह काम से बाहर नहीं निकलते हैं और काम से भी निकले होंगे तो भी उनको वापस पलटाया जा रहा है। जो एसेंशियल जो रीज़न है बस उन्हीं को छोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पे जो बैरिकेटिंग है वो नागपुर शहर के हर इलाके में हुई है। जो मेन इलाके जो है वहाँ पर बैरिकेटिंग की जा रही है। कोरोना के मद्देनज़र देखते हुए ये बैरिकेटिंग जो है, और ये पुलिस प्रशासन की जो कड़ी तैनाती है, जो मास्क नहीं पहनते, जो हेलमेट नहीं पहनते, उनको यहाँ पे रोका ही जा रहा है, बट ज़्यादा सख्ती नहीं की जा रही है। ये बस उनको समझाया जा रहा है कि घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, अगर आप डॉक्यूमेंट्स रखें, क्योंकि पुलिस वालों की यहाँ पे कड़क तैनाती चल रही है और उनको रीजंस भी बताने पड़ रहे हैं। तो सेफ रहिए, परिवार के साथ रहिए और सुरक्षित रहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इतनी कड़क धूप होने के बावजूद भी, नागपुर का टेम्परेचर हाई होने के बावजूद भी, पुलिस प्रशासन यहाँ पे पूरी तरीके से अपना काम करते हुए नज़र आ रही है। तो आम जनता से मेरा यही दरख्वास्त है कि आप भी घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, और हो सके तो बिना वजह घर से बाहर ना निकले। अगर कुछ काम होता है तभी ही बाहर निकले। Thank you.